Hope you all are fine and I'm also fine. So today we are going to solve an equation by using the Bodman's rule. Okay? आज हम लोग Bodman's के रूल को फॉलो करते हुए हमारी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. Bodman's का मीन्स क्या होता है? सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ, देन डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ये हमारा फॉर्मूला होता है कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे ये जो क्वेश्चन है, हमारे जो ऑपरेशन है उनको सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट से पहले एक चीज सॉल्व होती है बार. ठीक है, तो ब्रैकेट से पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? बार को सॉल्व करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे. ठीक है, बाकी की सारी चीजें हम लोग एज इट इज रखेंगे, बस जिसको हमने सॉल्व करना है वही चीज हम लोग फॉलो आउट करेंगे. बाकी चीजें वापस ऐसे ऐसे राइट कर देते हैं. 24 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 2. तो यहाँ पे हमारे पास में है 6 माइनस 2. तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? 6 माइनस 2 को सॉल्व करेंगे. 24 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8. 6 में से 2 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा आंसर आता है 4. ठीक है, और अगर हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो इसका ये जो साइन है इसको हम लोग हटा देंगे. ठीक है, हमने साइन हटा दिया है, अब हमारे पास में क्या बचा है? स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट बचा है. ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. इसके बाद में बारी आती है ब्रैकेट की. बार के बाद में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. और ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है? स्मॉल वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग. 8 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4. और अगर हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? ब्रैकेट को हटा देंगे. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट. अब हमारे पास में ओनली 2 ब्रैकेट बचे हैं. ठीक है, अगेन सॉल्व करते हैं. 24 डिवाइडेड बाय, अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 6. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा बिग ब्रैकेट, जो बचा हुआ ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं. तो 24 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4. ठीक है, और ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया. ठीक है, और फाइनल जो आंसर आया हमारा वो कितना आया है? 4 आंसर आ गया है. इस तरीके से आप लोगों को अपना जो मेथड है उसको यूज करते हुए क्या करना है? सॉल्यूशन कंप्लीट करना है. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग कोई और दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं. फॉर्मूला सेम रहेगा, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद में डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है, क्वेश्चन इज ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास में ना कोई बार है ना ब्रैकेट है, तो बार और ब्रैकेट वाली कंडीशन तो हट गई है. ऑफ, तो ऑफ भी नहीं है इसके अंदर. अब हम देखते हैं इसके अंदर है हमारे पास में उसके बाद डिवीजन. तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन को सॉल्व करेंगे, बाकी कंडीशंस को एज इट इज रखेंगे. 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 को जब 48 को 16 से डिवाइड करते तो हमारा आंसर आएगा 3 माइनस 8. ठीक है, अब हमें क्या करना है? 832 को 6 से और सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई कीजिए, 8. ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ गया. ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसके बाद में एडिशन करना है. तो इन दोनों को क्या करेंगे? अब हम ऐड करेंगे. ऐड कीजिए, 10,110 माइनस 8. इसमें से हमें क्या करना है? 8 को माइनस करना है. सॉल्व कीजिए, तो 10,102 हमारा क्या आ गया? कंप्लीट फाइनल आंसर आ गया है. ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को अपना जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट करना है. आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.
And if this video is helpful for you, then please like it, share it, comment it, and please subscribe the channel. And do not forget to press the bell icon for more updates. Thank you.